बहुत तेज बारिश और बारिश में उल्टी सीधी हो रही है, मेरे कपड़े भी भीगे हैं, मेरे जूते भीगे हैं। ये एक लैंडस्लाइड जोन है, काफी गहरी खाई है और यहाँ शायद झरना भी बह रहा है। यहाँ पे डस्टबिन रखिए, इसको डस्टबिन में डंप कीजिए, जो जिस तरह प्रकृति ने आपको दिया है इसको उसी तरह सहेज कर रखिए। सब क्यों फेंक रहे पत्थर? ये लोग अपनी थकाई उतारने के लिए फेंक रहे हैं पत्थर। अच्छा, मंदिर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ कोहरा है, घनी बारिश है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा जो कि मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया था, भद्रास ट्रैकिंग का, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हालांकि प्रोग्राम था नहीं आने का, लेकिन फिर सोचा कि नहीं जाना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे 16 और 17 को जो है मेला लगता है भद्रास मंदिर में, और यहाँ से ये काफ़ी दूर है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और रास्ता आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, जिस तरह मेरा बेटा और उसका दोस्त आदित्य भगोड़ा गया था, काफ़ी कठिन है रास्ता। आजकल बरसात का टाइम है तो रास्ता काफ़ी फिसलन वाला है, पर एनीवे मेरी इच्छा थी वहाँ जाने की। और ये है अभी कोटी गांव, और कोटी गांव में मैंने अपना टू व्हीलर खड़ा किया है, और यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी है जो कि हमें पैदल ही तय करनी पड़ेगी। और काफ़ी ज़्यादा रश है, सुना वहाँ पर लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, देहरादून या दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम सीधा भद्रराज मंदिर पर, फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, चलते हैं आगे धीरे धीरे। और आप देख रहे हैं मौसम चारों तरफ कितना खूबसूरत मौसम है, जिस तरह पहाड़ों में होता है चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, और ये खूबसूरत गांव यहाँ पे। फिलहाल तो यहाँ पे अभी हल्की पगडंडियाँ हैं, लेकिन आगे जाके हमें कच्चा रास्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी जितनी भी ये टू व्हीलर खड़े हैं, ये सब भद्रराज जाने वाले हैं, ये सब यात्रा पर गए हैं ऊपर भद्रराज। मुझे भी भाई साहब ने बताया कि यहाँ से शॉर्ट है ये पगडंडी, तो हल्की हल्की है ना, तो 200 मीटर तक है शॉर्ट। चलो शॉर्ट ही चलते हैं, मिक्स ब्रीड है सारी, कोई मिर्चियाँ हैं कोई घरेलू हैं। ये रास्ता ना जाने का आगे, ये यहाँ से ऊपर को लग जाओ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सत्य कहूँ तो मुझे अभी से थकान लगनी शुरू हो गई है, हालांकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा चला हूँ अभी, लेकिन अब जब आ चुका हूँ इस ट्रैक को कंप्लीट करना तो बनता ही बनता है। जहाँ पे जो दुकान है कोटी में, वो थोड़ा अपनी जान पहचान की हैं, हमारे यहाँ जो है पुष्कर सिंह हैं, उनके छोटे भाई की दुकान है, तो वहाँ पे मैंने अपना स्कूटर पार्क किया हुआ उनके घर के अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं मंदिर पहुँचने में। ये चारों तरफ आजकल बरसात के कारण हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और ऐसी हरियाली के बीच थोड़ा एनर्जी भी मिलती है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। बस आप ब्लॉग पर बने रहिए, और जो लोग पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, थैंक यू। वाह, ये तो शंख की ध्वनि है आपकी। ये बताइए आपको जाने में कितना टाइम लगा? ढाई घंटा। ढाई घंटा, अगर आप कंटिन्यू चलते रहो तो। आने में तो खैर ज़्यादा देर लगेगी, आने में तो बिल्कुल। रास्ता ठीक है? रास्ता थोड़ा सा भी एक जगह थोड़ा, वहाँ रश है? रश है वहाँ पे? रश फुल फुल रश है, फुल रश है। अभी पूरा रास्ता ट्रेन के जैसे डिब्बे जुड़े। अच्छा जी, मुझे भी काफ़ी समय लग सकता पहुँचने में, क्योंकि मेरी सांसें उखड़नी शुरू हो गई हैं। अभी जिस रफ्तार से मैं बढ़ रहा हूँ, उस रफ्तार से तो मैं फिर शाम के 5 बजे तक भी नहीं पहुँच सकता, काफ़ी टाइम लग सकता है मुझे। मुझे अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। और अब ये चीड़ के जंगल यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये सब चीड़ के वृक्ष हैं। यहाँ पे 2-3 हट हैं, शायद लोकल लोग होंगे जो कि चाय पानी नाश्ता दे रहे हैं यहाँ पर। जितना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लास्टिक के गिलास हैं, इतना गंद कर रखा है, यहाँ पे उड़ के जा रहे हैं जंगलों में। दिक्कत ये कि लोग आते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट को इतना गंदा करते हैं, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपको दिखाऊँ, ये 2-3 हट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे इतना। वैसे आप थोड़ा इसको तो, आप जितने भी आते हैं ना,
इनको आप बताइए, आपने डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पे, डस्टबिन रखिए, इसको डस्टबिन में डंप कीजिए। आप लोकल हैं क्या? कहाँ, यहीं के हैं आसपास? तो ये कम से कम आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना? ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये जो है ना गंद, क्योंकि ये लोग तो मेला खत्म होगा चले जाएंगे, नहीं इसको बिल्कुल। लेकिन एनवायरनमेंट यानी जो जिस तरह प्रकृति ने आपको दिया है, इसको उसी तरह सहेज कर रखिए, संभाल कर रखिए, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप इस गांव के हैं ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है? यहाँ डस्टबिन रख दो, इसको डस्टबिन में डंप कीजिए, और कहीं गड्ढा खोद दीजिएगा, गड्ढा खोद के फिर इसको वहाँ दबा दीजिएगा। थोड़ा इन बातों पे ध्यान दीजिए आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, आप बुरा मत मानना, मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, थोड़ा इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखिए, आपके लिए बेहतर है, हम सबके लिए बेहतर है। भैया आप लोगों से भी विनती है, ये बोतल प्लीज, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये आप इकट्ठा कीजिए, या जिस तरह ये गड्ढा खोद दीजिए, वैसे गड्ढे में आप अंदर डाल दीजिए उसको, काफ़ी कम से कम चार पाँच फुट का गड्ढा हो, क्योंकि इस तरह गंद करना ठीक नहीं है। आप भी, आपकी दुकान साफ सुथरी रहेगी ना तो कस्टमर आपके पास आएंगे, चार कस्टमर की जगह पाँच कस्टमर आपके पास आएंगे, लेकिन आप गंद रखोगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा, है ना? थोड़ी इनका ध्यान रखिए प्लीज़। मैं सही बताऊँ तो बहुत दुख होता है मुझे, खासकर अपने पहाड़ों में लोग आते हैं, जो है टूरिस्ट आते हैं और इधर गंद करके चले जाते हैं। मैंने जिस तरह अभी बताया तीन हट हैं नीचे, वो हालांकि मुझे लगते नहीं कि लोकल हैं, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ कूड़ा करकट, गिलास के ढेर, बोटल्स, रैपर्स, ये सब फेंके हुए यहाँ पे, और ये सब प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। हमारे आदरणीय मोदी जी कितनी बार बोल चुके हैं कि कृपया साफ सुथरा रखिए, लेकिन लोग मान नहीं रहे इस बात को, अफसोस की बात है। पैर जवाब दे चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थकान और ऊपर से पसीना, गर्मी काफ़ी हो रही है चलते चलते। अभी एक बच्चा मिला मुझे, मैंने उससे पूछा, बेटा मैंने कहा कितनी दूर है, कहता अंकल अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है। मैं कहा यार थोड़ा मोटिवेट कर बेटे, ऐसे मत बोल कि स्टार्ट किया है, मैं कहा थोड़ा बोल देता कि इतनी दूर है, कम से कम 6-7 स्टॉप मुझे बनाने पड़ेंगे, तब जाके मैं आगे चढ़ पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद, 1.5 साल बाद मैं ये ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ फिर से, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब मैं अपना ट्रैक दोबारा से कंटिन्यू रखूँ अपने पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ देहरादून में तो कुछ रखा नहीं है। देहरादून कहते हैं द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, लेकिन जब से कैपिटल बना बहुत गंद हो गया है देहरादून में, नहीं रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं इस देहरादून में। तो मैं तो सही में कह रहा हूँ 9 महीने में ऊब चुका हूँ मैं देहरादून से, इससे अच्छा तो अपने पहाड़ों में चले जाओ या फिर अपनी दिल्ली NCR चले जाओ, कम से कम वहाँ पर रिस्पेक्ट है, अच्छे लोग हैं। काफ़ी लोग जो मुझसे काफ़ी दूर थे, मतलब मैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुका था, वो लोग भी मुझसे काफ़ी आगे ही निकल चुके हैं। जब ये पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा बेटे का, साथी कुकृति और आदित्य बोगणा जब इस ट्रैक पे आए थे, वो भी पैदल ही आए थे यहाँ से, तो मुझे तभी दिख गया कि रास्ता बहुत हार्ड है। हालांकि वो ब्लॉग थोड़ा पुराना है, 2-3 महीने पहले आया था, मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन मैंने कल ही वो ब्लॉग फिर से डाला है, मैंने कहा देखूँ कि किस तरह की चढ़ाई है, तो अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया वो ब्लॉग बनाकर, वो ब्लॉग डालकर उसको काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, और उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिली है कि रास्ता, कम से कम मुझे ये आइडिया हो गया कि किस तरह का रास्ता है। देहरादून घाटी का व्यू कुछ इस तरह दिखता है यहाँ से, सामने देख रहे हैं आप एक नदी है, हालांकि धुंध लगी हुई चारों तरफ, क्लियर दिखना बहुत मुश्किल है। तो अपनी यात्रा जारी रखते हुए और पसीना पहुँचते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बढ़ रहे नौजवान, बढ़ रहे नौजवान। एक स्टॉप और एक गाना है नरेंद्र सिंह नेगी जी का, वो काफ़ी मोटिवेट करता है, उसके बोल हालांकि मुझे पूरी तरह याद नहीं है, वो इस तरह है गाना हो कि देर होली अबेर होली, होली कभी तो सुबेर होली, यानी इस तरह से वो मोटिवेट करता गाना, आगे बढ़ते रहिए बस, कभी ना कभी तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस लिरिक। और अभी मैं, ये मेरा 4th या 5th स्टॉप है, क्योंकि थकान लग रही काफ़ी। ये बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग जल्दी पहुंचेंगे मेरे से,
अब देखो चारों तरफ एक घना कोहरा लगना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा था देहरादून का व्यू, लेकिन अब बिल्कुल कोहरा लग गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, पहाड़ी की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे हमें बस ऐसी कोहरा मिलेगा और हल्की हल्की ठंड भी लगनी शुरू हो गई। हालांकि अभी हम पैदल चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा है और गर्मी भी लग रही है कि काफ़ी लोग मेरे से आगे चले गए हैं, तो कुछ लोग आगे जा रहे हैं, मुझे भी इनके साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि साथ में क्या होता है कि आदमी थोड़ा मोटिवेट होता है, जब वो चल रहे होते हैं तो साथ साथ में रास्ता भी आसान हो जाता है, अकेले में तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि उम्र का तकाजा है कि साथ चलो। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं ये एक लैंडस्लाइड जोन है, काफ़ी गहरी खाई है और यहाँ शायद झरना भी बह रहा है, क्योंकि मुझे झरने की आवाज़ आ रही है और अभी तक यहाँ पत्थर गिर रहे हैं, मतलब अगर आदमी एक बार गिर गया तो काफ़ी दूर तक जाके रुकेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे डर लग रहा है, मैं सही बताऊँ तो मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है इस खाई में जाने में, हालांकि कोहरा है, घना कोहरा है और ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, कभी यहाँ ज़मीन खिसकी होगी और नीचे झरना है, क्योंकि मुझे झरने की आवाज़ आ रही है नीचे पानी। ये देखो अभी तक पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पे और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह, बिल्कुल गहरी खाई। जब आप ऐसे किसी ट्रैक पे चलते हैं तो अपने साथ पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो पसीना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो बॉडी में जो पानी होता है वो पसीने में बह जाता है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर जब आप ऐसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं। ये जो रास्ता है इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है कि यहाँ हालांकि बरसात के कारण चारों तरफ हरी हरी घास है और घास में ज़्यादा फिसलन होती है, अगर यहाँ से भगवान ना करे कोई फिसल गया तो नीचे जो खाई है ये बहुत गहरी खाई है, सीधा देहरादून या तिलवाड़ी के आसपास जो एरिया है वहीं जाके रुकेगा, क्योंकि बहुत, मैंने बताया ना, बहुत गहरी खाई है, इसलिए ऐसे रास्तों पर बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। कितना दूर हो रहे अभी? अभी तो डबल है। डबल। अभी डबल है, डबल से ज़्यादा ही है। मतलब कितना टाइम और लग जाएगा? डेढ़ दो घंटा। ओके, हाँ स्पीड तो यार वाकई बहुत धीरे है। हाँ एनीवे थैंक यू। ये पूरे घास के जंगल के जंगल, फिसले तो पॉसिबल नहीं है कि आदमी पता भी नहीं चलेगा कहाँ पहुँच गया, वैसे ही कोहरा लगा हुआ है। और ये देखिए आप, ये पथरीले रास्ते हैं तो इनमें फिसलना तो लाजमी है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, क्योंकि कोहरा बड़ा घना है। लोग बहुत निराश कर रहे हैं, जिसको भी पूछ रहा हूँ कितनी दूर है, हर कोई अलग अलग डिस्टेंस बता रहा है। कोई कह रहा अभी तो आप आधे भी नहीं चले, कोई कह रहा 2 घंटा लगेगा, कोई कह रहा 3 घंटे लगेंगे, मतलब मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा कि बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, उससे क्या होता है आदमी को थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, लेकिन यहाँ तो लोग डरा रहे हैं। ये जो भद्राज है ये काफ़ी फेमस है, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ साल में एक बार मेला लगता है 16-17 को। मेरी शिकायत उत्तराखंड सरकार से है कि एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है, जिस तरह से यहाँ लाखों लोग आज की डेट में जा रहे हैं या जो कल लोग आए हैं, तो कम से कम उत्तराखंड सरकार को ये ट्रैक तो अच्छा कर देना चाहिए, कम से कम इसको रास्ते को पगडंडी की सूरत अच्छी कर दे, जिस तरह आपने सुरकंडा में बनाया है, जिस तरह आपने तुंगनाथ में बनाया है, तो कम से कम इस ट्रैक पर भी ध्यान दो
क्योंकि ये ट्रैक अच्छा होगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ये उत्तराखंड के लिए ही अच्छा है, रेवेन्यू जनरेट होगा उत्तराखंड के लिए। तो कम से कम मेरी विनती है धामी साहब से कि कम से कम यार इस रास्ते का ध्यान रखो, इस पर कम से कम पगडंडी बना दो ताकि लोगों को चढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी ऐसा है कि बरसात का टाइम है और काफ़ी लोग फिसलते फिसलते जा रहे हैं। जिस तरह मैंने देखा चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदमी चढ़ जाता है, हालांकि थकान महसूस हो रही है, लेकिन जब डाउन की तरफ आता है तो ये देख रहे हैं ना अभी पत्थर, यहाँ पे ये सारे पत्थर हैं, तो इन पत्थरों में फिसलना लाजमी है, आदमी फिसल सकता है। तो प्लीज़ धामी साहब कुछ इस ट्रैक का भी कुछ कीजिए, हम जैसे जो यूट्यूबर हैं बार बार आते रहेंगे यहाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी प्रचार होगा, उत्तराखंड टूरिज्म भी बढ़ेगा जिस तरह यूट्यूबर मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे ध्यान दीजिए ये भद्राज ट्रैक पे। थैंक यू। ये जो भी रैपर हैं बोतल्स हैं इन्होंने यहाँ फेंकी हुई हैं, ये देखो बहुत स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। चलो ये देखो ये हट है, मैं इसको भी समझाता हूँ ज़रा। हाँ जी भैया आप लोकल हो, यहीं आसपास के देहरादून के हो? अच्छा ये गांव के हो, गांव के हो, गांव का नाम क्या पड़ता आपका है? अच्छा क्या नाम बताया? ढलानी। यार एक रिक्वेस्ट है यार आपसे, आप यहीं के लोकल हो तो एटलीस्ट जो है ना ये जो गार्बेज है ना एक है नहीं, अब देखो ना ये आपके लिए एक ठीक नहीं है, ठीक है? आप यहीं के बाशिंदे हो तो थोड़ा प्रकृति को थोड़ा साफ सुथरा रखोगे तो। अरे भैया आम इकट्ठा करेंगे एक बार सब जलाएंगे से। हाँ वही करना, क्योंकि अब जैसे बारिश होगी ना, अब बारिश होगी ना बारिश सारा बह जाएगा, ये नहीं बहेगा। हमारे पास ना यहाँ पे डंगर है ना, गाय गुई वगैरह है ना, खाएंगे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए इकट्ठा करते हैं। हाँ प्लास्टिक से तो गाय बीमार होगी होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए आप इस चीज का, आपसे विनती है। और क्या क्या बना रहे हो आप? चाय बना रहे हो? चलो चाय पीते हैं भाई साहब, ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं अभी नीचे देखा ना मैंने तो नीचे बहुत ज्यादा गंद कर रखा उन लोगों ने। अभी आप इधर जाना ऊपर को, हाँ। जितना भी कचरा था ना, हाँ। हमने इधर इकट्ठा करा जला दिया था। वो बहुत अच्छा यार, क्योंकि देखो आप लोकल हो, ये तो टूरिस्ट आते हैं चले जाते हैं, इनका क्या है, लेकिन आप हो ना आपके लिए भी ठीक नहीं है ना ये चीजें। वाकई में ये भाई साहब मिले मुझे यहाँ पे, ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है ये जगह, क्यों ये देखो ना ये पहाड़ी खिसक रही है, ये देखो ये जमीन बिल्कुल धरती के अंदर जा रही है और बहुत जल्दी ये यहाँ से टूटना शुरू हो रहा है, ये पूरी पहाड़ी है आगे तक जहाँ ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ तक, और ये कभी ये देखो पूरा ये मतलब जमीन बहुत जल्दी नीचे पहाड़ी की तरफ जा सकती है, एक तरह से एक बहुत खतरनाक एरिया है, एक तरह से ये लैंड स्लाइड जोन बॉय इसको बोल सकते हैं, और पूरी दरारें आ रही हैं इसमें, ये देखो वाकई में देखो ये बिल्कुल ताजी दरार है ये, और ये पूरा ऊपर तक है, हाँ और नीचे बिल्कुल खाई है जहाँ से आपने अभी झोपड़ी देखी है, जहाँ पे लोगों ने दुकान बना रखी है, हट बना रखी है, और भगवान ना करे ये इस तरह अगर ये होता रहा तो ये पहाड़ बहुत जल्दी खिसक जाएगा देहरादून की तरफ। ये जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये देखो ये सब दरार है, और नियर फ्यूचर ये बिल्कुल जहाँ जिस जगह मैं हूँ ये जो आप देख रहे हैं घास का मैदान, ये जगह बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ दरक जाएगा पूरा ऊपर तक है ये जहाँ पे चोटी है ऊपर। वाकई में बहुत मुश्किल भरा ट्रैक है ये, अभी शायद मैं आधा भी नहीं चला हूँ और मैं लेट चला हूँ घर से, लोग बस वापसी में हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जो अभी इस ट्रैक को पूरा कर रहे हैं, और थोड़ा ये है कि मौसम अच्छा है यहाँ पे, धूप नहीं है, चारों तरफ बस बादल है, और शुक्र है कि बारिश नहीं है, क्योंकि बादल जब डाउन जो है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो लगता है कि यार वाकई में हमें भी ऊपर बढ़ने में आसानी होगी, और ख़ासकर ये बादल वाकई में मैं सही बताऊँ टू बी ट्रूथफुली ये बादल मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए मैं चढ़ पा रहा हूँ और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, हालांकि थकान जरूर लग रही है लेकिन ट्रैक चढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, बहुत ही सुंदर मौसम है।
अभी शायद मुझे एक या दो घंटा और लगेगा पहुंचने में। ये देखो इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे चारों तरफ झाड़ियाँ और ये हल्की सी पतली सी पगडंडी। लंबा है भी 3 किलोमीटर ना, केवल 3 किलोमीटर। ओके नो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं यार, उससे ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम चढ़ चुके हैं तो मंजिल तक पहुंच के दम लेंगे। बहुत थकान लग रही है, अब तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। पसीना पसीना, पूरी टी शर्ट पसीने से भीग चुकी है। वाकई में आप देख रहे हैं ना इन पगडंडियों को, ये बिल्कुल दोनों तरफ पहाड़ी हैं और बीच से ये पगडंडी गुजर रही है। आइए भैया आइए, चढ़ती सवारी को रास्ता दीजिए। वाह, करीब 2-2.5 घंटे हो गए होंगे मुझे और काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन यार ये बच्चे 3-4 का ग्रुप है इनका, ये काफ़ी मोटिवेट मुझे भी कर रहे हैं, मैं भी इनको मोटिवेट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे संस्कारी बच्चे लग रहे हैं मुझे। चलो माय बेस्ट विशेस और भेज भी, ठीक है। चलिए ट्रैक शुरू करें, चलिए फिर आगे चलिए। बहुत बुरा हाल है, चढ़ाई ने मार दिया भाई बुरी तरह। आप देख रहे हैं ना रास्ते बिल्कुल चढ़ने लायक नहीं है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। और नीचे दिखाऊं मैं तो वहां से आ रहा हूं मैं ऊपर, यहां से निकलना ऊपर। अभी आप ऊपर देख रहे हैं ना, वहां चढ़ना है और उससे भी काफी आगे भी। ये लोग नीचे आ रहे हैं दर्शन करके, शायद लोग सुबह निकल गए होंगे अर्ली मॉर्निंग, और ये सारी भीड़ नीचे की तरफ आ रही है। पर मुझे अभी वहीं जाना है ऊपर, अभी पता नहीं कितना दूर है वो, थक गया हूँ काफी। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मौसम और ये भद्राज की पहाड़ियाँ। फिर जो भी ऊपर से आ रहा है वो यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है, अब इसका क्या मीनिंग है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या मीनिंग है इसका, लेकिन ये पत्थर फेंक फेंके देखो इतना बड़ा चट्टा खड़ा हो गया। ये देखो लोग पत्थर फेंक रहे हैं इसमें। ओ भैया पत्थर फेंकने का मतलब क्या होता है, किसी को भी नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, फिर भी लोग पत्थर फेंके जा रहे हैं। लोग वहाँ पत्थर फेंक रहे थे, उसका मीनिंग मैंने कई लोगों से पूछा, शायद उनको पता नहीं था। ये भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैंने इनसे पूछा, शायद इन लोगों को पता होगा कि ये जो आ रहे हैं लोग पत्थर फेंक रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्यों फेंक रहे हैं पत्थर। तो ये लोग अपनी थकाई उतारने के लिए फेंक रहे थे यहाँ पत्थर। अच्छा, लोग आते थे कि भाई अब बैठ भी आते थे लोग, हाँ थक गया हम लोग बस। इसका नाम है आशा रोड़ी, आशा रोड़ी नाम है इसका। अच्छा, और यहाँ पे लोगों को आस हो जाती है कि अब हम पहुँच चुके हैं क्योंकि चढ़ाई का एंड है। अच्छा, चढ़ाई का एंड है, मतलब मैं भी नीचे पूछता आ रहा हूँ कई लोगों से, तो वो यही कह रहे कि भाई साहब अभी तो 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा। तो अच्छा है कि आपने कम से कम मोटिवेट किया कि हाँ भाई ये चढ़ाई का एंड है, दी एंड है, इसके बाद यहाँ से सीधा है। चढ़ाई नहीं है। और यहाँ से फिर कितनी दूर है भद्राज मंदिर? यहाँ से होगा आपका 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, चलो जहाँ इतना चढ़ गए वहाँ। अब तो ऐसा है ना, सीधा प्लेन है, अब प्लेन है ना, सीधा रूट है। ओके, थैंक यू सो मच। बलराम जी ने यहाँ पे उन्होंने अपनी साधना यहाँ पे की है, जब द्वारिका से आए वो यहाँ पे।